हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, अभी जो एक्सरसाइज आपको सिखाई जाएंगी वन से टेन तक है। इन एक्सरसाइज में कम्प्लीटली आपको काफ़ी हद तक अक्सर सिखाने की कोशिश की गई है। इसमें जितने भी टेबल्स हैं वो हमारे डिजाइनिंग से, इसके अंदर आप अलग अलग तरीके से फॉर्मूलेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनको भी सॉल्यूशन समझाया गया है कि किस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब तक आपको वो प्रैक्टिकल नहीं मिलता है आपको एक्सरसाइज सीखने का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जहां भी जॉब वगैरह में जाते हैं या फिर कुछ भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं या कुछ भी वर्क करते हैं इस पर, तो आपको प्रैक्टिकल की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल जितना अच्छे से आपका बेस आपका स्ट्रांग होगा उतने अच्छे से आप वर्क कर पाएंगे। अगर आप बीच में से मिड में से कहीं मेरी एक्सरसाइज देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग वन वाले से स्टार्ट करिए, और अगर आप एंड से देख रहे हैं तब भी आप वन से लेकर या प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इस हर जो वीडियोस है उसमें बहुत अच्छे से क्लास को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से जो एक्सेल है उसमें किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम एक एक फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन किया गया है। तो जितने भी वीडियो है बहुत ही ध्यान से स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे तब भी फायदा है, अदरवाइज कोई इसका यूज नहीं है। क्योंकि आप देख के रफली आगे के कर देते हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी कोई यूज नहीं। तो जितना देख रहे हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी नॉलेज गेन हो, और हर एक चीज के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपका बेनिफिट ही होगा, कभी भी प्रैक्टिकली आपको कहीं भी जॉब वगैरह में रिक्वायरमेंट है तो आप उनको अच्छे से समझ के उसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना है। तो चलिए हम चलते अपनी वीडियो की तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज टू। ये एक सैम्पल है जिसके अंदर हमने कुछ डेटा कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में कुछ नंबर फॉर्मेट में लिया है, उसका हम कैलकुलेशन करना बताएंगे। आप कोई भी ले सकते हैं किसी भी तरीके का डेटा, बस इसके थ्रू कुछ जो क्वेश्चंस हैं, ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। इससे होगा क्या कि आपको जो एक एक चीज़ ऊपर जाके ढूंढना पड़ता है तो उस चीज़ में आपको याद रहती है, भूल जाते हैं, तो एक ऐसे प्रैक्टिकल सामने होगा तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहेगी। अगर आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं ऐसे टूल के थ्रू, उसके बाद अगर आप उस टूल को यूज़ नहीं करें तो वो आप चीज़ें भूलते जाते हैं। कोई भी आप टूल लीजिए किसी भी तरीके का, अगर लाइक माउस भी एक तरीके से जैसे आपका टूल है, वो माउस को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चलाने की तो वो भी आप भूल जाओगे। टाइपिंग है, टाइपिंग भी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो ऐसे ये सारे भी टूल्स होते हैं, ये क्लिकिंग पे वर्क करते हैं, वो फिजिकली वर्क करते हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सेल प्राइस। अभी हमने एक ऐसे ही सैम्पल बना रखा है इसका कि जो सेल प्राइस में हमने लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया तो हमारा सेल प्राइस आ गया। ठीक है, सेल प्राइस हमारा क्या है, ये वाला है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू। जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं हमेशा वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। अगर आप इज इक्वल टू नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। बिना इज इक्वल टू के आप कहीं भी जाके क्लिक करोगे तो वो क्लिक नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिया मैंने और मैं और कहीं क्लिक कर रही हूँ, आपका जो सेल है वो साथ साथ आपके ये क्लिकिंग हो रहा है। तो इसलिए हमेशा इज इक्वल टू लगाइए। और इसका था लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस हमारा डी कॉलम में है, माइनस का साइन लगाएंगे और डिस्काउंट, तो इसके अंदर डी फोर माइनस ई फोर आपका अप्लाई होगा। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो आपका 800 माइनस 100 आपका 700 शो कर रहा है। अब सेम ये सभी फार्मूलेज में अप्लाई करना है, तो आप ये फार्मूला दोबारा भी लगा सकते हो या फिर जस्ट इस पर डबल क्लिक करो या फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करो। ठीक है, ये देखिए आपका इसमें से लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नेक्स्ट इज एंटर अ फार्मूला टू फाइंड द सेल टैक्स इज इक्वल टू सेल प्राइस इनटू 0.05। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल प्राइस है, ये हमारा सेल प्राइस निकल चुका, इसको हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेल टैक्स आ जाता है इज इक्वल टू दिस। मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज़ होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, और इसमें 0.05 ऐसे भी लिख सकते हो, 0.05 भी लिख सकते हो, वो आप दोनों ही चीज़ें सेम है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये आंसर शो करेगा। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं। सो सिंपल, F2 प्रेस करके आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हो। सेकंड, आप कर्सर यहाँ पे लेके जाइए ये फॉर्मूला बार में और आपको ये शो कर देगा इस टाइप से, देखिए। ठीक है, ये देखिए कर्सर आप फॉर्मूला बार में लेके जाएंगे और ये आपका आंसर शो कर, ये फॉर्मूला शो कर रहा है। ओके, किसी भी या फिर F2 प्रेस करिए तभी भी शो करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं थर्ड. एंटर अ फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल प्राइस. इसका टोटल प्राइस में क्या किया इन्होंने, सेल प्राइस और सेल टैक्स को प्लस कर दिया बस, और कुछ नहीं है. प्लस के लिए आपको पता है सम भी यूज़ कर सकते हो आप, या फिर इस पर क्लिक करके प्लस का साइन यूज़ करके ऐसे भी यूज़ कर सकते हो. सेकंड इज ऑल्ट इक्वल टू यूज़ करिए. ऑल्ट इक्वल टू में सारी रेंज उठाता है, हमें माउस को ऐसे ड्रैग इन करना है, ठीक है. और या फिर आप यहाँ क्लिक करिए, इस पर सब पर क्लिक करिए, आपको सारे ऑप्शन बताए जाएंगे, ठीक है. किसी भी तरीके से कर सकते हैं. ये सेम ऑल्ट इक्वल टू वाला ऑप्शन है, और ये एंड यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा. तो किसी भी प्रोसेस से करिए, आप ड्रैग कर देते हैं तो आपका आंसर निकलेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज सेट द कॉलम लेबल अलाइनमेंट अप्रोप्रिएटली. जो कॉलम्स हेडिंग है हमारी, हम इन पे चलते हैं, ये रही, इसको अलाइनमेंट करते हैं. अलाइनमेंट लाइक आपको इसको यहाँ से सेंटर करना है, यहाँ से सेंटर करना है, ठीक है. इसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हैं. और जो आपका ये शो कर रहा है जो हिडन चीज़ें हैं, उनको आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है. रैप टेक्स्ट आगे हो सकता है क्वेश्चन में पूछा गया हो, तो इसलिए अभी हम नहीं कर रहे हैं. पहले क्वेश्चन से सॉल्व करके फिर टेबल की डिज़ाइनिंग करेंगे. क्रिएट ए हेडर दैट इंक्लूड्स, लेफ्ट में हमारा नेम होना चाहिए और डेट सेंटर में होनी चाहिए, और राइट में आपका पेज नंबर, ठीक है. तो हम सबसे पहले जाते हैं अपने इंसर्ट में. इंसर्ट में आप इस साइड आइए, राइट साइड, ये रहा दिस वन, ठीक है. ऐसे सर्च यहाँ से भी कर सकते हो. और दूसरा ऑप्शन होता है ऑल्ट क्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस वे में ओपन हो जाएगा, ठीक है. तो क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है कि लेफ्ट में, हम इसको थोड़ा सा रीड करने के लिए जूम आउट कर लेते हैं. आपको लेफ्ट में आपका नाम लिख दीजिए, हम अपना MICS का नाम लिख देते हैं. एंड सेंटर में आप डेट डाल सकते हैं. यहाँ पर हम डेट डालने के लिए लास्ट में ऑप्शन ओपन होता है आपका, ये डिज़ाइन वाला, ठीक है. डिज़ाइन में डेट यहाँ पर है, करंट डेट, ओके. क्लिक किया, ये ऐसे दिखाएगा, लेकिन जब इसको हम बाहर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो प्रॉपरली डेट दिखाएगा. देखिए ये आज की डेट दिखा रहे हैं. और राइट साइड में हमें क्या बोला गया है, पेज नंबर. पेज नंबर आप यहाँ पर क्लिक करिए, ये देखिए इस टाइप से आ रहा है. यहाँ क्लिक करेंगे, ये वन. अगर और हम पेज क्रिएट करते हैं, जैसे लाइक मैंने थोड़ा सा टाइप कर दिया, ठीक है. देखिए पेज टू, यहाँ देख पा रहे हैं आप, पेज टू. तो एक्सेल में पेज इसी सीक्वेंस से बनता है. ये यहाँ से यहाँ भी टाइप कर सकते हैं, और यहाँ लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, ठीक है. वो प्रिंट में फिर आप कमांड भी दिखानी पड़ेगी कि आप किस वे में प्रिंट कराना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ये आपका शो कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हम पहले नॉर्मल व्यू कर लेते हैं, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम लग रहा है. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. ये आपका फाइव तक हो चुका है. सिक्स में सेंटर द वर्कशीट वर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टली ऑन द पेज. सबसे पहले कंट्रोल एफ टू करते हैं, ठीक है. ये आपका वर्टिकुलर हॉरिजॉन्टली ऑलरेडी हो रखा है. ये लास्ट मैंने जो एक्सरसाइज आपको समझाई थी उसमें भी था. यहाँ पे नीचे पेज सेटअप होता है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है. इसमें आपका मार्जिन है, ये आपका टिक है ऑलरेडी. इसको मैं अनटिक करके समझाती हूँ कि ये एग्जैक्टली ऐसा होता है. इस टाइप से यहाँ से लेफ्ट से टचिंग होगा बिल्कुल लाइन, टॉप से बिल्कुल टचिंग होता है, और इधर स्पेस और नीचे स्पेस है. मुझे इधर का स्पेस, राइट का, बॉटम का, और मतलब लेफ्ट और टॉप का, सबका चारों तरफ से इक्वल चाहिए. तो यहाँ वापस पेज सेटअप पर जाएंगे, मार्जिन पर जाते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकुलरली ऑन करके ये सेंटर में शो करता है, ठीक है. सेंटर में जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला ऐसे सेंटर में आ जाता है. तो ये एक सैम्पल है, इससे आपको शो होता है कि किस तरीके से आपका ये सेंटर में आ गया. देखिए यहाँ से लेफ्ट मार्जिन सेंटर है, राइट में सेंटर है, बॉटम और टॉप का, ठीक है. टॉप का आपका हेडर को भी ले रहा है, इसीलिए इस टाइप से शो कर रहा है. बैक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका है सेवन्थ क्वेश्चन. इंसर्ट ए न्यू रो आफ्टर
परफ्यूम्स प्रोडक्ट, हम परफ्यूम प्रोडक्ट पर चलते हैं। हमारा ये है आफ्टर, यानी इसके बाद सेवन जो है कि एक्सेसरीज और इसके मिड में आना चाहिए। तो आपको मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि अगर किसी भी रो को हम इंसर्ट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आती है, तो हमें सिलेक्शन करना होगा एक्सेसरीज यानी सेवन नंबर पे। यहाँ पर कर्सर यहाँ रखेंगे इस रो वाले पोर्शन पर, यहाँ कहीं नहीं रखना है। यहाँ रखने में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन ओपन होते हैं, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज हम बहुत ईजी और शॉर्ट वे में समझाते हैं शॉर्टकट्स के थ्रू, ताकि आप जल्दी से कर सकें। यहाँ पर राइट क्लिक करें और इसमें हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट करते ही ये एक न्यू रो इंसर्ट हो गई है परफ्यूम्स के बाद, ठीक है। हमें चाहिए थी परफ्यूम्स के बाद न्यू रो आफ्टर परफ्यूम, ठीक है। और अब एट्थ क्वेश्चन है कन्वर्ट टोटल प्राइस इनटू परसेंटेज फॉर्मेट। अब हमारे पास जो टोटल प्राइस आया है ये वाला, इसको परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट में क्या होता है, आपको एक मैंने क्लास में बताया था लास्ट वीडियोस की कि आप नंबर सिस्टम पर कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो यही नंबर सिस्टम इसी पर बेस्ड है। आप इस पर क्लिक करिए, ये मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। दिस वन परसेंटेज, जब आप इस इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ अगेन मेक टोटल प्राइस इनटू, अच्छा ये देखिए परसेंटेज तो हो गया, बाकी मुझे वापस अगेन उसी पे क्लिक करना है। तो मैं वापस इस पर क्लिक करूँगी तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से ऑन तो होता है, बट ऑफ़ करने का प्रोसेस क्या है, दो प्रोसेस बताएंगे हम। एक तो यहाँ से डायरेक्टली इसको जनरल फॉर्मेट में करिए, ठीक है, हो गया, अंडू कर दिया मैंने वापस। और एक होता है क्लियर द फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है। और लास्ट क्वेश्चन, अप्लाई बॉर्डर टू द टेबल एज गिवन अबव। अब इस पे हमें टेबल पर बॉर्डर वगैरह करना है, और जैसी भी टेबल बताई गई है उसके हिसाब से हमें इसकी सेटिंग करनी है। तो ये सेटिंग क्वेश्चंस में नहीं है, ये हमारे पास जो प्रैक्टिकल फाइल की हार्ड कॉपी होती है वो स्टूडेंट को दी जाती है। तो वो कैसी होती है उसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। उसमें यहाँ से B2 से लेकर H2 तक मर्जिंग है, बेस कलर येलो है, इसका बेस कलर येलो नहीं, इस तो मर्जिंग हो गया। और उससे मिडल बॉटम हेडिंग है इसकी, ये आपका एक यहाँ से सेंटर हो गया, यहाँ से सेंटर है, और सॉरी यहाँ से इसकी लाइनिंग्स है, लाइनिंग्स हम सारी बाद में कर लेंगे एक साथ। और इसका बेस कलर येलो है, ठीक है। एंड इसमें जो आपका पूरी की पूरी टेबल है, उस फुल टेबल में हम यहाँ पे लाइनिंग्स है, लाइनिंग्स जो है ऑल बॉर्डर्स पे है, ठीक है। बट जो इनसाइड बॉर्डर है, जो ये अंदर वाली है, वो डॉटेड है, और आउटसाइड वाली थोड़ी सी थिक है। थिक तो हम यहाँ से कर सकते हैं, देखिए ये थिक वाला पोर्शन यहाँ से ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब आउटर बॉर्डर है आपका, ये थोड़ा सा थिक हो गया, ये अभी नहीं दिखेगा, जब प्रिंट प्रीव्यू में आप देखेंगे, ये देखिए ये थोड़ा सा आपको थिक लग रहा होगा आउटर बॉर्डर, और अंदर की जो लाइनिंग्स है वो डॉटेड है। डॉटेड करने के लिए यहाँ कहीं डॉटेड का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आप इसके लास्ट वाले ऑप्शन में जाइए, मोर बॉर्डर्स में, ठीक है। मोर बॉर्डर्स में आपके पास ऐसी स्क्रीन आती है, यहाँ से आप चूज़ करेंगे डॉटेड, कोई भी ले सकते हैं, मोटा पतला, ये वाला, ये वाला, और ऐसे एक बार ऑन ऑफ कर दीजिए इसको, और ये हो जाएगा। कभी कभी क्लिक करने पे ऐसा हो जाता है, फिर इसको ऑन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसको हम ओके करते हैं और इसको देखते हैं, ये वाला आपका डॉटेड हो गया इनसाइड वाला। कंट्रोल F2 करते हैं, प्रीव्यू में आपको ये प्रॉपरली शो करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें और मेंशन है कि आपको यहाँ पर ये रैप टेक्स्ट है, ये देखिए रैप टेक्स्ट। अगर मेरी शीट इतनी बड़ी होती और रैप टेक्स्ट अप्लाई करते तो नहीं वर्क करती। इसके लिए हमारी कॉलम जो होती है थोड़ी सी विड्थ उसकी कम होनी चाहिए। डिस्काउंट है, इसका रोटेशन करना है, ठीक है। रोटेशन जो आपको होता है, आप यहाँ से अलाइनमेंट में जाइए, यहाँ से भी आता है, ठीक है। मैं स्विमिंग दिखाती हूँ आपको, ये देखिए किसके अकॉर्डिंगली आपको करना है, ठीक है। जैसा भी आपको चाहिए, ये डिस्काउंट आपका ऐसा है इसमें, ये देखिए इस टाइप से, अब हाइड हो गया ये लाइक दैट, ठीक है। और इसको भी सेंटर अलाइनमेंट वगैरह सब हो रखा है ये, एंड आई थिंक ये थोड़ा
स्पेस, ठीक है ये। एंड लास्ट वन इज़ द टोटल प्राइस, ये भी रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट के लिए थोड़ा सा स्पेस कम होता है तब शो करता है रैप टेक्स्ट आपका। एंड ये देखिए आपकी शीट रेडी है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसकी हमें अभी ये वाली सेल जो ब्लैंक है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एग्जैक्टली जो हमारी हार्ड कॉपी की शीट है वो इस टाइप से, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको बनाइए। ये हेडिंग से हमारी बोल्ड हो गई, और क्या चेंजेस हैं, ऑलमोस्ट सब ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको शीट को बनाइए, और ये हेडिंग थोड़ी सी और बढ़िए, बोल्ड है थोड़ा सा इंक्रीज है, ये हेडिंग है मेन, ठीक है। इस तरीके से आप शीट को बनाइए, प्रैक्टिस करिए। डेटा आपके पास है अपने अकॉर्डिंगली भी आप डेटा कैच कर सकते हैं, तो आप कोई भी डेटा ले सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।